थी फिर भाई मैंने कितनी मरतबा कहा कि जूतों के नीचे ग्रीस ना लगवाया करें। अपने पाँव पे खड़े हो जाओ भाई, कब खड़े होंगे, बड़े हो गए अब। ओ वासे भाई कोई बात नहीं, जवानी में इंसान फिसलते ही रहता है। ओए ओए फिसले, अगर मैं फिसला होता वासे भाई तो मेरा सर भी ऐसा हो जाता। मैं जुआ वास्ते पक्की सड़क बनाई है। वैसे चाचा जी, जी जी जी, जब आप गर्मियों में फिरते हैं हाँ, तो आपकी जुओं के पाँव नहीं जलते? नहीं, चाचे ने जुआ नू जराबा ला के देती। अच्छा, आप वहाँ डीजल से फिसले थे? जी सर। ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? सारा डीजल तो चाचा पी गया। मेरे ख्याल से इससे पहले के अमानुल्लाह साहब के हुस्न के बारे में ज्यादा बात की जाए। नहीं नहीं, आप अपना काम करें, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें ये मौजू मोड़ देना चाहिए अपने मेहमानों की तरफ, क्योंकि आज के हमारे दोनों मेहमानों का ताल्लुक एक बहुत ही हसीन इंडस्ट्री से है। एक फैशन की दुनिया के अंदर बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का नाम है डिजाइनिंग का, और दूसरी है एक बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस। तो पहले बनाते हैं उन साहब को जो कि डिजाइनिंग की दुनिया में टॉप 3 डिजाइनर्स के अंदर माने जाते हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत यंग लगते हैं। आप सबकी तालियों में जनाब नोमी अंसारी। जहाँ हसीन कपड़े बनाने वाले को हमने बुला लिया है, वहां पे उनको भी तो बुलाना चाहिए जिनके लिए ये कपड़े बनाए जाते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस, टीवी पे भी देख चुके हैं, फिल्म पे भी देख चुके हैं, और आपकी बहुत ही फेवरेट हैं, मोहतरमा सना जावेद। गिरते पड़ते आपने जो उसका वजन पूरा किया, आपके पास कुछ है? मेरा शेर तो मैडम के लिए। अरे सना के लिए। बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। आयस्ता से हुस्न के खुलने लगे भेद, आयस्ता से हुस्न के खुलने लगे भेद, चुपके से सामने आ गई जब हमारी सना जा गई। ओए होए। कभी मेरे लिए भी कुछ शेर बोला करे। हाँ, थोड़े शेर आ गया। हाँ छाड़ दो। गलत रिक्वेस्ट की थी मैंने ये। बिल्कुल, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो सना पहले भी आ चुकी हुई है शो के अंदर, इसलिए आपको अंदाजा है। जो भी है ऊपर वाले का बड़ा कहरा मैं। सना जी, जी क्या हाल चाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट क्लास से रोटी किसे ने पकानी, ले आना ही किसे ने, उन्हें की कारी टेंशन। सिर्फ खाने तो रो भी पड़ना। अब आए आने का वक्त है, कहाँ थे, क्या थे, नहीं तो क्या है। वैसे बता चलो कि उनकी शादी नहीं हुई अभी। हाँ। नहीं हुई, मैं कर देती हूँ। सना वैसे अभी तक शादी तो नहीं हुई ना आपकी? मैंने आपको दुआ दी है कि आपकी हो गई, अल्लाह करेगा। प्लीज कुछ और दुआ करिए। ऐसे क्यों आप कह रही हैं? अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा। अच्छा, कोई प्रोग्राम नहीं है अभी। बूथ है उसका, क्या करोगे अब बाद में? और मेरा तो वासे को पता है कि वासे और मैं काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं जी, दोस्त हैं, और मेरा बड़ा पेशेंस लेवल जो है कम है। कैसे काम करते हैं ये तो, ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं और जो मॉडल्स होती हैं उनके साथ तो नहीं, नहीं माशाल्लाह मेरे साथ ये बहुत अच्छी हैं सब। नहीं ये तो एक अच्छी है, सबको पता मगर है, मेरे साथ सब सही है। कैसे डील करते हैं? बड़े टेंट्रम्स होते हैं लोगों के, सुना है, और वो तो बड़ा के नोमी मेरे साथ होते हैं टेंट्रम जो बर्दाश्त करते हैं। आप बर्दाश्त नहीं करते टेंट्रम्स? सना क्या सही कह रहे हैं? आपने भी इनके साथ काम किया रिसेंटली? मैंने बिल्कुल इनके साथ काम किया, और ये मेरे दोस्त हैं तो अब इसलिए लिहाज कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे इनका पता है ना इनका कब मूड खराब होता है कब सही रहता है। अच्छा, तो ही इज वेरी प्रोफेशनल। मैं जब देसी इंसान हूँ, हाँ। मतलब 9 का मतलब 9 चले देर हो गई 9:15, 10:30 नहीं हो सकते। अच्छा हाँ। वासे भाई असल कामयाबी है वक्त की पाबंदी। बिल्कुल, बड़ा यानी कि इस फील्ड में रहते हुए वक्त की पाबंदी को बड़ा, वक्त की पाबंदी, और ऊपर से जब आपका काम होता है तो फिर कोई मसला नहीं होता। मतलब वर्क अगर मुझे फर्श साफ करना, मैं हम भी हमने एक शॉर्ट फिल्म किया साथ, और 1000 बार मैंने गमले उठाए, फर्श साफ किया है, चाय के निशान साफ किए हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं। अगर दूल्हे हो इस किस्म के डिजाइन के तो क्या आपके ख्याल में उनको पहनना चाहिए? देखिए सोच रहे हैं कि किधर फंस गया, मगर फिर भी ट्राई करें नोमी। यार देखें, ये वैसे ही माशाल्लाह की स्टाइलिश इंसान है, ठीक है, और इनकी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है, और ये जिस तरह से ये नाइस टाई अच्छा है,
अच्छा तो मगर क्या क्या आपके ख्याल में क्या पहनाना चाहेंगे आप? यार मैं तो इनको अच्छा होगी खास कि मेरे तो रूड़ी सूट बारो चिकन रे आके मेरे से पाओ अगरबत्तियां तो खाओ फिर मेनू को काफ ले जाओ है जी चुड़ैल दे नाल मेरी शादी करो। तुम बात सुनो ट्राई करो, कराची से मेहमान आए हुए हैं। कराची आई नो कराची उत्थे बड़े अच्छे अच्छे लोग होते ने एक दूसरे की हेल्प करते ने। तुम बात सुनो इधर आओ। ओके कुछ खास सुनाना है ये। नहीं इसे काम की कर दें। मैं वही बताने लगा हूं ना ये जो है ही इज द टॉप मोस्ट डिजाइनर ऑफ पाकिस्तान। दिस गाय यस ही इज लाइक द टॉम फोर्ड ऑफ पाकिस्तान। ओ टॉम क्रूज। टॉम फोर्ड और वो जो है शी इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान। सना जावेद शी इज नो मैं कितने दे देखे होया है शी इज नो तुसी फिल्म में देखे होया है। ओ यस यस आई रिमेंबर दैट। एक बार मैं शालमी तो नहीं लक्ष्मी तो आ रहा था। अच्छा ते किसी सैनमेंट ते तुहाडा वड्डा जिहा फ्लैक्स लगा होया सी। अच्छा ओदे ते तुसी एंड करके खलोते हो। फिल्म इनकी थी मगर वो जो तस्वीर थी वो दानिश तैमूर की थी। यस आई रिमेंबर दैट दानिश तैमूर दाढ़ी वाला मुंडा। ओके लेट मी ट्राई। इतने बड़े पैसे कमांदे होने। हां तेरी सोच है। डिजाइनर दे ते सूट बड़े महंगे होंदे ने। इतने वोटी नु गरारा पवा देन ते 2.5 लाख ले लैंदे ने। लेट मी डेडिकेट यू अ वन सॉन्ग। ये दिल मेरे छोड़िए फेरे वो हैं सब ठंडे ये हैं लुटेरे। ये दिल मेरे छोड़िए फेरे वो तो हैं ठंडे तुम हो लुटेरे। कोई 150 पाओ निरा सुनी जांदे हो उन्हें कोई असर ही नहीं हो रहा। वो देखो ओ बाजी मैनू तुहाडे ते यकीन सी तुसी कोई 150 दियोगे। हां क्योंकि सूट बड़ा महंगा पाया होया ना। हां लेडीज कोल पर्स हुंदा है। अच्छा ते मर्दां दे पैसे गड्डी च पए हुंदे। अच्छा हां डोंट वरी मैं तुहाडी गड्डी कोल ही खलोता उनू मैं कपड़ा छपड़ा भी मारांगा ओदा 200 लैदा देना है तुसी। थैंक यू 5000। सना ये बताएं अब आगे क्या प्रोग्राम है? अभी मैं टीवी सीरियल्स कर रही हूँ। फिल्में बिल्कुल करूंगी अगर स्क्रिप्ट जो भी मुझे अच्छी लगी उस। कैसा स्क्रिप्ट अच्छा लगता है वैसे आपको? कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए कैरेक्टर में। कितना को स्ट्रांग कैरेक्टर होना चाहिए? परफॉर्मेंस मार्जिन हो। परफॉर्मेंस मार्जिन पिछली वाली में था? था उससे ज्यादा चाहिए अब। अब उससे ज्यादा लालची लड़की परफॉर्मेंस मार्जिन चाहिए। एक्टर की लालच कभी खत्म नहीं होती। वैसे आप भी भैया अब कुछ इस तरफ भी आना शुरू हो गए हैं, सुना है कि आप कुछ डायरेक्शन का भी शौक रखते हैं। अभी इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म की, अभी हमने फैशन फिल्म की है छोटी 2.5 मिनट की, ये तो बड़ी वैसे। और अभी वो सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव होने वाली है। नोमी अंसारी की डायरेक्शन है। चाचा जी की भी एक फिल्म आ रही है सनस्ट्रोक। बाकी ओ ओ ओए मेरे अल्लाह ओ नोमी अंसारी साहब। अरे जानते हो तुम? ला दसो इन्हां नूं कौन नहीं जानदा। वाह 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 ऐसे जबरदस्त फैशन ए ते पाकिस्तान दा फखर ने। वाह 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 ना की इन्हां दा नोमी अंसारी? नहीं 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 ना 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 नोमी अंसारी ते हुंदा ना मशहूर हुंदा बंदा। ते उते शनाख्ती कार्ड ते की लिखिया असल की नाम यानी मां बाप ने की रखिया? मोहम्मद उमर मोहिउद्दीन अंसारी। क्यों फिर? वाह वाह मैनू इस नाम दा पता सी। अच्छा याद नहीं सी। अच्छा ठीक है लम्मा बड़ा नाम है ना तो त्रै शनाख्ती कार्ड ने इन्हां दे। अच्छा भाई एक शनाख्ती कार्ड ते नाम नहीं ना पूरा हुंदा। ये भी है बस तुहाडा मामला सेट हो गया जी। तुहाडा उन्होंने मैनू स्पेशल किया भई बड़ी वड्डी सेलिब्रिटी अपनी बावे फैक्ट्री ला लेना ते नुकर च कितरे सौ जाना। दस ही नहीं रहे मेरी अचानक नजर पई है। अच्छा जानते हो तुम? जानते हो मेरा पहला प्यार। तस्वीर लेनी किसके साथ? दो मनाल दोनों के साथ। इजाजत है जी? जी जी हाँ ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। अबे तस्वीर नहीं वो कहते नहीं इजाजत है जाओ। वो कह रही सेल्फी की इजाजत है। अच्छा इजाजत है। ओ मैडम शी इज सो नाइस। अच्छा उरले नहीं परले।
फिल्मी आप खातून हैं तो एक फिल्मी सीक्वेंस आपका, ट्रेन पर आप सवार हैं, बोगी के बिल्कुल एंड पे थी और ट्रेन चल पड़ी है और आप दरवाजे में खड़ी हैं और आप देख रही हैं तीन हजरात जो हैं वो भागते हुए आ रहे हैं और वो उनमें से आप एक को ही चढ़ा सकती हैं हाथ दे के ऊपर ट्रेन पे, ठीक है, तो इनमें से किस को आप हाथ दे के ऊपर चढ़ाना चाहेंगे और बाकी के दो जो है वो बेचारे पीछे रह जाएंगे? तो आपकी जो ऑप्शन है वो है फारूक सत्तार, मौलाना फजल रहमान या फिर जमशेद दस्ती। मौलाना साहब को मौलाना करूंगी, चले ऊपर, ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है। तो फिर आप जा रही है कराची में साले समुंदर पे, बाइक चला रही हैं, हेलमेट के नीचे से बाल उड़ रहे हैं, वाह वाह, नौमीन सारी का जोड़ा पहना हुआ है आपने। इसी दरमियान में आप देखते हैं कि तीन लोग खड़े हैं लिफ्ट लेने के लिए, इनमें से किसको आप अपने साथ मोटरसाइकिल पे लिफ्ट देना चाहेंगे? शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी या फिर चौधरी निसार अली खान? चौधरी निसार। फिर बताइए मैडम, एक्ट्रेसेस के नाम देने लगा हूँ, आपकी कोलीग्स हैं, सना जावेद को सबसे हसीन कौन लगती हैं? कौन? ठीक है जी, तो नाम आते हैं आयशा खान, आयशा उमर, आयजा खान, मावरा हुसैन और हरीम फारूक। आयजा, आयजा नंबर वन पे हैं, ठीक है। आयशा खान, आयशा खान नंबर टू पे हैं, हरीम, हरीम नंबर तीन पे हैं, नंबर चार पे कौन है? आयशा उमर, आयशा उमर नंबर चार पे हैं और मावरा हुसैन आपको पांचवे नंबर पे लगती हैं सबसे हसीन और आप उनके लिए दोबारा कभी काम नहीं करना चाहते। आप दोनों की आपस में कितनी बनती होगी? ना इसी दम दोस्त। हाँ सर। नहीं फिर ये बताइए मैडम कि इन सबके साथ काम करने के बाद आपको ये तीन केसेस हैं। पहला केस ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, दूसरा ये था कि अच्छा एक्सपीरियंस था, तीसरा ये था कि दोबारा ये एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है जी। तो आपको मैं तीन नाम दे रहा हूं, आप इन तीनों साहिबान के साथ काम कर चुकी हुई हैं, ठीक है, एक नाम हमजा अब्बासी, दूसरा दानिश तैमूर और तीसरा वासे चौधरी। तो अब बताइए कि इनमें से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ था? वासे चौधरी। अच्छा, अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ हमजा? था हमजा। और ये एक्सपीरियंस ना ही होता कि अंदर आपने दानिश तैमूर का नाम रखा है? अब ऑप्शन ही है तो ठीक है। ये बताइए किनके साथ एक साल में काम करना चाहेंगे, किनके साथ दो साल में काम करना चाहेंगे और जिनके साथ काम ना भी करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो आपके नाम है नदीम बेग, आसिम रजा और मोमना दुरेद। तो किनके साथ एक साल में काम करना चाहती हैं? नदीम बेग। दो साल में किनके साथ काम करना चाहती हैं? आसिम रजा। और मोमना दुरेद के साथ काम ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं। अच्छा चले, मैं लोगों के नाम लेता हूँ, आपने बताना है आपके जहन में पहला वर्ड क्या आता है उनका सुन के। हमजा अब्बासी, बेस्ट। हुमायूं सईद, हीरो। यासिर नवाज, डायरेक्टर। दानिश तैमूर। खामोशी आती है आपके जहन में? शान, सुपरस्टार। नौमी अंसारी, नंबर वन डिजाइनर। आमिर लियाकत, आम खाएगा।